महाराष्ट्र में राजनीतिक उथल पुथल चल रही है। भाजपा ने सरकार बनाने के लिए राज्यपाल का नियंत्रण स्वीकार न करते हुए विरोधी पक्ष में बैठने का निर्णय लिया है। इस निर्णय के बाद शिवसेना को सरकार बनाने के लिए राज्यपाल ने निमंत्रण दिया है। शिवसेना ने भाजपा से युति तोड़ कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ सरकार बनाने की तैयारी दर्शाई है। ऐसे में नागपुर के नेता और पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने अपने विचार प्रकट किए हैं। युति तोड़ने की घोषणा शिवसेना ने की है, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं की है, इसलिए वो उनका निर्णय है, भारतीय जनता पार्टी का निर्णय नहीं है। जहाँ तक मुख्यमंत्री जी की बात है, तो जब महायुति हुई थी तब की सारी ज्वाइंट सभा में बीजेपी शिवसेना और सारे अलायंस की सभा में पब्लिक मीटिंग में माननीय देवेंद्र जी ये मुख्यमंत्री बनेंगे, ये सारे शिवसेना भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने पूरी जनता के सामने खुले रूप से रखा है। जब युति के पहले सारी जनसभा महाराष्ट्र में हुई, माननीय मोदी जी की हुई, माननीय अमित शाह जी की हुई, माननीय उद्धव जी की हुई, कांग्रेस माननीय अभी सब सारे बीजेपी शिवसेना के दिल्ली और मुंबई के सारे नेताओं की हुई, नितिन जी की हुई, हमारी सारे कार्यकर्ताओं की बैठकें हुई, उसमें तो ये ठहरा ही गया था कि भाई, और शिवसेना को उस समय तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं था कि देवेंद्र जी मुख्यमंत्री बनेंगे। ये मैंडेट आने के बाद ऐसा होना ये अच्छा नहीं है। महाराष्ट्र के 12 करोड़ जनता के लिए भाजपा सेना सरकार चाहिए थी, लेकिन जिस प्रकार से हुआ वो अच्छा नहीं हुआ है। सारे महाराष्ट्र को दुख है, 12 करोड़ जनता को दुख है कि जिस प्रकार से मैंडेट मिला है, वो मैंडेट देने के बाद भी इस प्रकार से होना ये दुर्भाग्य है। जब जनादेश ही हमारे साथ था, और पूरे सभाओं में आप देखिए ना, आप प्री आप कैमरे के पास होंगे, आपके पास ये फुटेज होंगे, सारे फुटेज में चेक कर लीजिए कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। ये शिवसेना और जाहिर भारतीय जनता पार्टी ने जाहिर भी किया था, फिर आज वो बात निकालना सब रिजल्ट आने के बाद।